नमस्ते विजय चौधरी जी, आपका सिल्वर लाइन लेबोरेटरीज में स्वागत है। आप हमें बता सकते हैं आपको क्या बीमारी थी एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? मेरा नाम विजय चौधरी है और मुझे दिक्कत थी, मेरे लेफ्ट आई के नीचे एक ब्लैक मोल था, ब्लैक मोल से ब्लीडिंग होती थी। मैंने 2018 में डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पहले इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने उसका ऑपरेशन करवाया लेकिन वो एक बार में ठीक नहीं हुआ, उसके अभी भी BCC डिटेक्ट था स्किन का। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, मैंने दोबारा ऑपरेशन करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आँख में पानी बनना बंद हो गया, आंसू आते नहीं थे, तो ड्राई होने की वजह से ज़्यादा दिक्कत रहने लगी। फिलामेंट्स बनते थे आँख में, आँख लाल रहती थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दोबारा ऑपरेट किया इसका, लेकिन वो लिड तो ठीक हो गई लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉपर आई वो सेट हो नहीं पाई। रेडनेस रहती थी बहुत ज़्यादा, फिलामेंट्स बनते थे, दूसरी आँख भी खुल नहीं पाती थी, काम काज में दिक्कत रहती थी बहुत ज़्यादा। तो कभी भी एक्टिवा चलाने में भी दिक्कत रहती थी और ड्राइविंग करने में भी दिक्कत रहती थी, काम करने में भी नहीं, और वैसे भी धूप भी बहुत लगती थी, धूप में वैसे भी आँख नहीं खुलती थी, दोनों आँखें खुलनी बंद हो चुकी थी। इसके बाद मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी गया, स्टाफ में डॉक्टर को बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर वही रोहतक में डॉक्टर अशोक खुराना ने मुझे कहा कि इसमें एक लेंस लगा सकते हैं, अगर वो लेंस लगाने के लिए अगर आप, पहले तो मैं तैयार ही नहीं हुआ लेंस लगाने के लिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन सोचते भी रहे, दिक्कत भी बढ़ती गई, लेकिन वो डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ वही है। अब वहाँ जाके फिर मैं सिल्वर लाइन लेबोरेटरीज में आया भवाना में, तो सर ने लेंस लगाया। उसके बाद मुझे लेंस लगाने में भी दिक्कत आई, मुझे लेंस लगता भी नहीं था ना, वो अपने आप से लगाया जाता था। 4-5 विजिट की, बहुत सारी दिक्कत भी आई। एक बार तो मैंने लेंस लगाना भी छोड़ दिया, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे से नहीं लगेगा ये, लेकिन फिर दोबारा जैसे घर वालों ने कहा, सर ने कहा, उनके स्टाफ ने मुझे इनकरेज किया कि आप लगाओ लेंस, उसके बाद ही दिक्कत ठीक होगी। तो फिर मैंने सीखा, 2-4 बार दिक्कत भी आई, फिर उसके बाद मैंने लेंस लगाना शुरू किया, उससे बहुत बेटर रहा। कुछ दिक्कत भी आती रही, जैसे कई बार इरिटेशन होती थी, कई बार ड्राइनेस फील होती थी, रात को जैसे लाइट वगैरह में भी दिक्कत रहती थी, थोड़ी ड्राइनेस रहती थी, वो ड्रॉप डालते गए, ऐसा ऐसा वो ठीक होती चली गई। 3-4 महीने के बाद एक तरह से हैबिचुअल हो गए हम, रोज़ सुबह लगाते हैं एक बार, दोपहर में एक बार उतार के उसको बाद क्लीन करके दोबारा लगा लेते हैं, रात को उतार के सो जाते हैं। अब आगे से बहुत बेटर है लाइफ, कोई दिक्कत भी नहीं है लंबी चौड़ी। लेंसेस कितने घंटे पहनते पूरे दिन में? सुबह 8 बजे लगाते हैं और 2:30 बजे के आसपास उतार देते हैं, फिर आधा घंटे के रेस्ट करके लंच वगैरह करके उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद 3 बजे लगा लेते हैं, रात को 9:30-9:30 बजे जब सोने से पहले उतार देते हैं उसको। लगभग आप पूरे दिन में 12-13 घंटे? हाँ जी, हाँ जी, 12-13 घंटे लेंस लगाते हैं। आपको सिल्वर लाइन की सर्विसेज कैसी लगी? बहुत बेटर है सर, बहुत बेटर है, इसके लिए सर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और उनका स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है आने जाने में। सर ने कह रखा है कि कभी भी फ़ोन करो, हर टाइम अवेलेबल रहते हैं सर, कोई दिक्कत भी नहीं है उनसे बात करने में, और कोई भी प्रॉब्लम हो हम कभी भी डिस्कस कर लेते हैं उनसे, वो सोल्यूशन भी बता देते हैं, और हम आगे जब भी बुलाते हैं हम आगे मिल लेते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती ऐसे। क्या हम आपका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर किसी पेशेंट को मेरे इंटरव्यू से बेनिफिट मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें क्या, उसमें अगर किसी पेशेंट को और भी फायदा हो सकता है, या कोई पेशेंट मन नहीं करता उसका आने में, अगर दिक्कत ज़्यादा रहती है तो वो भी अगला शेयर करके आप उसको दिखा सकते हैं, अभी कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, बाद में आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।